राष्ट्रीय राजमार्ग सीधी सिगरौली NH-39 के करीब सड़क का एक बड़ा हिस्सा धस गया, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर काफी बड़ा गड्ढा हो गया है। सड़क धसने का असर यहां से गुजरने वाले ट्रैफिक पर देखने को मिला। यहां से गुजरने वाले लोगों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लोग कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। इस गड्ढे की वजह से रीवा सीधी से सिगरौली की ओर जाने वाले रास्ते में काफी लंबा जाम लग गया। नेशनल हाईवे पर हुआ 200 फीट गहरा गड्ढा सिगरौली सीधी मार्ग पर धंसा है। दरअसल सीधी सिगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-39 सड़क का काम 18 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बुधवार रात को दिवसर से सदहर में सड़क का एक बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया। इससे सीधी सिगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 200 से 300 फीट गहरा गड्ढा हो गया। सड़क पर हुए गड्ढे की तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। गनीमत रही है कि सड़क धंसने से कोई हताहत नहीं हुआ। सड़क धंसने से परेशान लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग कर सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया है। देर रात तक आवागमन बंद रहा। घंटों से कई किलोमीटर लंबी जाम की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं दूसरी तरफ सड़क के गड्ढे को भरवाने के लिए भी तेजी से काम शुरू हो गया। मौके पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर निर्माणाधीन एजेंसियों के साथ मिलकर सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया गया है। MPRDC के अधिकारियों को इस राष्ट्रीय राजमार्ग की जानकारी होने के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सड़क निर्माण का कार्य कर रही तिरुपति बिल्डकॉन कंपनी को MPRDC को समय समय पर निरीक्षण कर सड़क संबंधी समस्या दूर करने के निर्देश दिए। समय पर डामर मिट्टी का काम नहीं करने की वजह से यह हादसा हुआ है। जिस जगह पर हादसा हुआ वहां किसी तरह का कोई लिखित निर्देश साइन बोर्ड नहीं लगाया गया। डेंजर जोन के ऊपर किए जा रहे इस निर्माण कार्य को लेकर MPRDC के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है।